आज आपकी मुलाकात जिस पर्सनालिटी से कराने जा रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के एक जाने माने एक्टर और डायरेक्टर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुश्ताक कार जी की। ये फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं श्रीराम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स न्यू दिल्ली में, और समय समय पर इनको काफ़ी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसमें विशेष है 2018 का संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। इन्होंने 100 से ज़्यादा जो स्टेज शोज़ हैं उनको डायरेक्ट किया है। इसके अलावा ये बहुत सारे टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज़, हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज़ में एज ए एक्टर काम कर चुके हैं। आइए हम आपकी मुलाकात इनसे कराते हैं। मुश्ताक साहब, फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुश्ताक साहब, इस समय आप एक जाने माने एक्टर और डायरेक्टर हैं, तो अभी तक की जो आपकी जर्नी है वो कैसी रही और आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? ये एक बड़ी लंबी फहरिस्त है यहाँ तक पहुँचने की। चुनौतियाँ हर चीज़ में रहती हैं और वो रहनी भी चाहिए, मेरा ये मानना है। स्कूल टाइम में शौक था, फिर स्कूल से बाहर निकले, फिर कुछ दोस्तों के साथ जुड़े, अच्छे सलाहकार मिले, अच्छे सीनियर लोग मिले, तो उनकी गाइड में थोड़े से हम पनपे, उठे, गिरे, गिरे, उठे, इस तरीके से चलता चलता हमारा सफ़र थिएटर का चला। थिएटर में मैंने काफ़ी, जैसे आपने कहा, 100 से ज़्यादा ड्रामों का मंचन किया है। अपने श्रीराम सेंटर का जिक्र किया तो श्रीराम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट में मैं 10 साल रहा हूँ एज ए डायरेक्टर, और वहाँ पे एक्टिंग कोर्स है बाकायदा, तो 2 साल का एक्टिंग कोर्स है। फुल फ्लेज रेपेटरी कंपनी है और चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप बच्चों के लिए भी है। और अब बकरी की तरह मैं ममिया नहीं सकता, मैन है ये, मैन है वो, मैन है वो, मैं बकरी की तरह नहीं ममिया सकता। कुछ लोग यहाँ बकरी की तरह ममियाते हैं, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर का वाहिद एक ऐसा शख्स हूँ जिसने बाहर एक्टिंग इंस्टीट्यूशंस में जाके एक्टिंग पढ़ाई है, एक्टिंग कराई है और अपना काम का सिक्का बनवाया है। मैंने बाहर जाके प्रोफेशनल रेपेटरी कंपनी जो ड्रामे की हैं उनके साथ, उनकी टीम के साथ काम किया है एज ए प्रोफेशनल तौर पे, और मुझे इस बात का बहुत गर्व है अपने आप पे। और मैंने कभी नारेबाजी नहीं दी कि मैं इस भाषा में काम कर, मैं इस भाषा के लिए कैर काम कर रहा हूँ, मैं डोगरी को प्रमोट कर रहा हूँ, या मैं कश्मीरी को प्रमोट कर रहा हूँ, या मैं गोजरी पहाड़ी, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा। एक्चुअली यहाँ पे लोग किसी भाषा को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, भाषा उनको प्रमोट कर रही है, तो मैं उस चीज़ से भी बचा रहा हूँ। मैं एक कलाकार हूँ, कलाकार के होने के नाते मैंने रंगमंच किया है, आज भी मैं रंगमंच कर रहा हूँ, मेरे नाटक हो रहे हैं और अलग अलग स्टेट में हो रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। हिंदुस्तान का पहला आदमी मैं था जो कल्चर सबमिट अबू धाबी में हुई थी 2017 में, मैं वहाँ पे एज ए, यहाँ से इंडिया से मैं ही अकेला आदमी, जिसमें 85 कंट्रीज़ के लोग आए हुए थे। तो ये कुल मिला के हमारे सीनियर्स का, मेरे साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो, और जहाँ जहाँ मैंने ड्रामे किए उन टेक्नीशियन टीम का एक प्यार है, दुआ है, और आज तक खड़ा हूँ। मुश्ताक साहब, जैसे आपने स्टेज शोज में काम किया है, आपने टीवी सीरियल्स में काम किया है, आपने मूवीज़ में काम किया है, तो इन सब में एक्टिंग और जो डायरेक्शन है वो किस तरह से अलग है? देखिए जी, टेलीविज़न के लिए मैंने एक्टिंग की है, मैंने नेशनल चैनल एपिक चैनल के लिए ही मैंने काम किया था एज ए एक्टर के तौर पर, उसमें मैं काबली वाले का रोल भी बहुत सराहाया गया। काबली वाला एक फेमस कहानी है रविंद्रनाथ टैगोर जी की, और वो मैंने की थी। ये मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस है अलिफ सिनेविजन के नाम से, उस पर मैंने डीडी कश्मीर के लिए, डीडी जम्मू के लिए, डीडी श्रीनगर के लिए, और यहाँ तक के डीडी उर्दू के लिए भी काम किया है, सीरियल प्रोड्यूस किए हैं, डायरेक्ट किए हैं, और इसके साथ साथ मैं एक्टिंग भी करता रहता हूँ। और ये मेरा एक सफ़र अलग सा है, टेलीविज़न का एक अलग सा जॉनर है, मंच का एक अलग सा जॉनर है, फिल्म का एक अलग सा जॉनर है। मैंने
फिल्में भी की हैं, फिल्मों में मैं एक्टर के तौर पे मैंने काम किया है और अच्छी अच्छी फिल्में हैं जो लोग जानते हैं, देखी हुई हैं उन्होंने, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। तो ज़्यादा चैलेंजिंग जो काम है वो किस में है, स्टेज पे हैं, टेलीविज़न में है या सीरियल्स में? देखें जी, चैलेंज हर जगह पे है। पैदा जब आप होते हैं तो सबसे पहले आपकी चीख के साथ, रोने के साथ चैलेंज आ जाता है, क्योंकि आप रोते इसीलिए हैं कि चैलेंज आ गए हैं वो सामने, अब चैलेंज को फेस करना है। इसलिए चैलेंज हर काम में किसी, अब देखें जिनके बाप दादा एक अंपायर बना के रख चुके हैं और उनकी औलाद और उनके पोते नाती उस पे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी चैलेंज है। दादा ने बना के फ्लोर रख दिया था, लेकिन आगे काम तो आपने करना है, चैलेंज आपके लिए है, दादा के लिए नहीं था। दादा के लिए जो चैलेंज था वो निपटा गया, मेरे लिए जो चैलेंज है मैं अपने चैलेंज देख रहा हूँ, मेरे बच्चे जो हैं उनको उनके अलग चैलेंजेस हैं। तो चैलेंज लाइफ में रहता है, वो हर कला में रहता है, आपके न्यूज़ में भी चैलेंज है, हर किस में चैलेंज नहीं है मुझे ये बताइए, किस में चैलेंज नहीं है? तो मुश्ताक साहब, आप इंजॉय किस में करते हैं? आई एंजॉय यार, मैं हर चीज़ में इंजॉय करता हूँ। मैं किसी चीज़ को अपने ऊपर वो हावी भी नहीं होने देता हूँ और ना ही मैं किसी चीज़ को ये समझता हूँ कि यार करना है नहीं करना है। अब मेरा काम है ड्रामे करना, मैं ड्रामे फील्ड का आदमी हूँ और मैं एक्टिंग करता हूँ, एक्टर हूँ, डायरेक्शन देता हूँ ड्रामे की। अब मुझे कोई कहेगा कि आप डांस का प्रोग्राम कोरियोग्राफ करो, आप डांस के प्रोग्राम करो, हैं, मैं नहीं करूँगा, वो मेरा जॉनर ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग करते हैं, वो करें, मैं नहीं करता, मेरा जॉनर नहीं है, मेरा जॉनर ड्रामा है, परफॉर्मिंग आर्ट ड्रामा है मेरा, मैं उसी में काम करूँगा। मुझे नहीं, कोरियोग्राफर वाला काम, डांस वाला काम वो दूसरे बच्चों का है, वो और लोग उस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके हक पे मैं क्यों नहीं चल रहा। तो मैं अपना काम जो भी करता हूँ, थोड़ा काम करता हूँ, बट आई इन्जॉय, मैं अपने काम में इन्जॉय करता हूँ। मैं घर में अगर कोई घर का काम करता हूँ तो मैं घर के काम में भी इन्जॉय करता हूँ, तो मैं बाकी काम को इन्जॉय करता हूँ, मस्त रहता हूँ, मस्त मोले की तरह घूमता रहता हूँ। मुश्ताक साहब, जम्मू कश्मीर में फिल्म इंडस्ट्री की प्रमोशन के लिए अगस्त 2021 में एक नई फिल्म पॉलिसी जो है वो JNK में आई, तो अब एक साल अगस्त में हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि ये जो नई फिल्म पॉलिसी आई है इससे क्या जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, या जितने परफॉर्मिंग आर्ट्स के लोग हैं, क्या उनको कोई बेनिफिट हुआ है या इसमें कोई अभी रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है? देखिए जी, आप फिल्म पॉलिसी, जम्मू कश्मीर फिल्म पॉलिसी की बात करते हैं तो इत्तेफाक से जब ये बन रही तो मैं भी इसका एक हिस्सा, जब इसका फर्स्ट ड्राफ्ट बन के आया था तो मुझे बुलाया गया था, और भी लोग थे और मैंने देखा जब ड्राफ्ट, तो मैंने दो चार चीज़ों के लिए बोला, राय दी। सबसे पहले मैंने राय दी थी कि हमारे जम्मू कश्मीर की रीजनल फिल्म्स का इसमें कोई प्राविधान नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हम अपनी रीजनल फिल्म्स को उठाएँ, हम कंपटीशन करेंगे बॉम्बे वालों के साथ भी करेंगे, लेकिन हमें तैयार तो करो, आप हमें तैयार नहीं कर रहे। तो मैंने जो सुझाव दिए थे वो पता नहीं बाद में हुए कि नहीं हुए, और जब फिल्म पॉलिसी लॉन्च हुई, श्रीनगर में हुई, तो जिस दिन इसका इनॉग्रल फंक्शन था लॉन्च करना, तो सुबह 7 बजे मुझे ऑफिशियल फ़ोन आता है कि आप जम्मू श्रीनगर आइए, शाम को 5 बजे ये लॉन्च। मतलब मैं फ़ोन करने वाले को भी कितना अक्लमंद समझूँ और उस सरकार को भी कितना अक्लमंद समझूँ कि शाम को 5 बजे फंक्शन है और आप मुझे सुबह 7 बजे फ़ोन कर रहे हैं कि आइए, अगर बुलाया है तो टिकट भेज दो कि मुश्ताक, ये टिकट आपकी है या ये है, आप आइए। तो नहीं, मुझे कोई गिला भी नहीं, नहीं बुलाया भाड़ में जाएं, संभालें, करते रहें जो करना है, मैं जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। रही बात कि हमारे जम्मू कश्मीर को क्या बेनिफिट है, उसमें अभी फिल्म पॉलिसी को छोड़ के जम्मू कश्मीर में बाहर के लोगों ने आके, बॉम्बे से अच्छे अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस ने आके यहाँ जम्मू कश्मीर में शूटिंग की है, वेब सीरीज़ की शूटिंग यहाँ हुई हैं। महारानी एक वेब सीरीज़ है जिसके लिए हमारा असेंबली हॉल खोल के दे दिया गया, हमारा जो सर्कट हाउस है वहाँ सब खोल के दे दिया गया। हो सकता है अगर हमारा कोई लोकल प्रोड्यूसर डायरेक्टर होता जम्मू कश्मीर का तो उसे नहीं मिलता, तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, इनका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के आर्टिस्टों ने बहुत काम किया है, जो बाहर के लोग आए हैं, अब उसमें एक तरीका है जो एक्टर के तौर पे वो लेते हैं तो नेचुरली उनके वो लुक में फिट आना चाहिए जो उनकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन उसके साथ साथ स्पॉट बॉय यहाँ से उन्होंने हायर किए,
लोकल लोगों को हायर किया, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ लोकल हायर हुई, तो कहने का मतलब ये है कि अब वो पॉलिसी के तहत नहीं आए, वो जो पॉलिसी बनी उसके तहत नहीं आए, वो अपने तरीके से आए। हो सकता है उनमें से कुछ लोग ने यहाँ शूट किया होगा, उसके बाद वो गवर्नमेंट को अप्लाई करेंगे कि हमने आपकी स्टेट में इस तरीके से शूट किया है, इतने लोकल आर्टिस्ट हैं, जो उनका मापदंड है, तो सरकार उनको कुछ सब्सिडी देगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो सो कॉल्ड अपने आप को प्रोड्यूसर डायरेक्टर कह रहे हैं, उन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया ही नहीं, क्योंकि वो आप फिल्म बनाइए, फिल्म बना के आप उसका तैयार करके बोलिए जी ये मैंने खर्चा किया फिल्म का पर अब मुझे सब्सिडी दे दो, तो अब बना के तो दे दो। अब यहाँ पे मांग ये हो रही है, कुछ मैंने जो सुना है, मैं श्योर नहीं, कि आप हमें पैसा दीजिए फिर हम बनाएंगे। अरे यार फिर चने भटूरे की रेड़ी खोल लो यार, सरकार गंदी आदत पड़ी हुई है दूरदर्शन की एडवांस लेके काम करने की। अगर यू आर ए फिल्म मेकर तो बना लो ना फिल्म, पैसा खर्च करो, उसके बाद सरकार को बोलो सब्सिडी दें भाई, जो उनके फॉर्मेलिटीज वो पूरी करो। तो उस फिल्म पॉलिसी बन गई है, अच्छी बात है, अब उसका फ़ायदा हमारे लोग नहीं उठा पा रहे अपने। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बात कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा होता, और भी अच्छा होता, मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि फ़िल्म पॉलिसी जो हमारी एक पुरानी डिमांड थी, कल्चरल पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो नहीं बनी आज तक, उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, वो आज तक नहीं बनी है। आपने चार पाँच सालों में, दो सालों में, डेढ़ कुछ महीनों में फिल्म पॉलिसी बना दी, तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि कल्चरल पॉलिसी बनाए, उससे भी हमारे जम्मू कश्मीर के आर्टिस्टों को बेनिफिट होगा। ये मेरा फिल्म पॉलिसी पे मेरी ये राय है। तो मुश्ताक साहब, अभी आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और आप किन प्रोजेक्ट्स पे अभी काम कर रहे हैं? देखें जी, अभी मेरे कुछ वेब सीरीज़ हैं, वो आने वाली हैं, बड़ी फिल्में एक दो हैं, वो भी आने वाली, कुछ का शूट चल रहा है, तो जैसे आएंगी तो सबके सामने आ जाएगा वो। तो अभी जो है तो मैं फिल्मों के नाम ही बता सकता हूँ, करेक्टर के बारे में नहीं बता सकता, स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता। एक तेजस फिल्म है कंगना रावत की, उसमें मैं एक्ट कर रहा हूँ, और अब एक फिल्म है, बड़ी चर्चित फिल्म है, गदर, अब गदर 2 का पार्ट बन रहा है, तो उस गदर 2 में मैं एक्ट कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है, आप कहते हैं ना जम्मू कश्मीर के आर्टिस्ट नहीं, हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है। गदर फिल्म में 4 लोग हैं जम्मू कश्मीर के जो उसमें एक्ट कर रहे हैं, और आपने उनको सोशल मीडिया में कभी देखा नहीं होगा। यहाँ पे एक प्रेस नोट का बड़ा वो चलता रहता है, आप छींक मारो तो प्रेस नोट करना, कख नहीं, प्रेस नोट कटेगा, कॉपी कट पेस्ट हो सारी अखबार जो वही एक लैंग्वेज लिखी दी होती है, राम दीन शाम दीन राम दीन राम दीन, वही चले करता है। आप हैरान होंगे 4 लोग हैं गदर 2 में, और ये हमारे मैंने जब वहाँ पे नाम पढ़े और सुना, मैं बहुत फख्र से मेरा सर ऊंचा हो गया, मैं चौड़ा हो गया, मेरा अभी उसमें रोल कर रहा हूँ लेकिन मैं चौड़ा हो गया यार, मेरे स्टेट के 4 लोग हम हैं यहाँ पे, तो हम मैं बाकियों को हड़काता रहा देखो। तो एक गदर 2 आने वाली है फिल्म मेरी, तेजस आने वाली है, अभी वेब सीरीज़ 1 है वो आप देखेंगे, तनाव फावदा है, इजरायली वेब सीरीज़ है फावदा के नाम से, उसका अडेप्टेशन हुआ, और कमाल यह है कि वो वेब सीरीज़ पूरी की पूरी कश्मीर और भद्रवाह में शूट हुई है, और उसमें भी हमारे जम्मू कश्मीर के बहुत कलाकार काम कर रहे हैं। आप जब वो आएगी आप उसमें देखें, हमारे जम्मू कश्मीर के काफ़ी लोगों का काम कर रहे हैं, तो वो जब वो लोग यहाँ काम करने आए तो हमारे यहाँ के आर्टिस्टों को बेनिफिट हुआ, यहाँ के हमारे लोकल्स को, उस किराना दुकान वाले को भी तो बेनिफिट हुआ जहाँ से वो दाल सब्जी लाते थे। तो ये एक इंडस्ट्री है, ये हमारी जम्मू कश्मीर में एक इंडस्ट्री बननी चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री, इसके फिल्म कॉरपोरेशन बनना चाहिए जहाँ पर होना चाहिए। तो अब सरकार की मर्ज़ी है वो क्या करते हैं, सब्सिडी कौन ले रहे हैं ये वही बेहतर जानते हैं, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो अभी कुछ इनिशिएटिव ही नहीं ले रहे हैं, बस लेना चाहिए। एक इनिशिएटिव लिया है अभी कश्मीर में फिल्म, एक लड़का शूट कर रहा है, हुसैन खान है, मैं भी उस फिल्म में रोल कर रहा हूँ। मैंने उससे पूछा यार क्या है फिल्म, तो कहने लगा भाई साहब मैं फ़िल्म बनाऊँगा, उसके बाद मैं फ़िल्म जो पॉलिसी बनी मैं उनके पास जाऊँगा, मैंने फ़िल्म बनाई है ये देख लो, बी प्रैक्टिकल। मैंने उनसे पैसा नहीं लिया, अभी पैसा खर्च कर रहा हूँ लेकिन बना के दिखाऊंगा, लो जी मैंने किया, तो फिर मैं देखता हूँ कोई इनकार कैसे करता है। आप किसी को पकड़ना पहले बी प्रैक्टिकल ना,
तो वो लड़का फिल्म शूट कर रहा है, उसने शूट की, मैंने भी एक्ट किया, उसमें भी जम्मू कश्मीर के एक्टर काम कर रहे हैं, एक दो एक्टर बॉम्बे से भी आए हुए, तो इस तरीके से। मुश्ताक साहब, जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, जो बच्चे एक्टिंग को एज ए कैरियर लेना चाहते हैं, आप उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज दें? देखिए जी, सबसे बड़ा जो दुख है और लगता है, फिर वही सरकार की बात आती है, हमारी यहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटीज़ में कितनी यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर में भी यूनिवर्सिटीज़ खुल गई, लेकिन किसी बुद्धिजीवी को और किसी सिविल सोसाइटी वाले को, और ना ही वहाँ के वो जो इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी लोग बने हैं, ये ख्याल आया कि इन यूनिवर्सिटीज़ में परफॉर्मिंग आर्ट का भी एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें डांस, ड्रामा और म्यूज़िक पढ़ाया जाए, इसमें भी है। हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है मास्टर करने के लिए, अगर ये थोड़ा हम कई बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर के जो मास्टर करके आए हैं परफॉर्मिंग आर्ट में, ड्रामे में, मेरी बेटी ने मास्टर की हुई है ड्रामे में, वो कल्चरल ऑफिसर है आज जम्मू यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ कल्चर पॉलिसी प्लस यूनिवर्सिटीज़ में ड्रामा डिपार्टमेंट खुलने चाहिए, ताकि वो जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनके भविष्य ज़रा सुधर सके, नंबर एक। नंबर दो ये कि जो JDS अप्रूव करती है कॉलोनीज़ वगैरह, ये वो लेटर पटर है ना, वो कॉलोनी, अब वहाँ पे एक नुक्ता रख देना चाहिए कि वही कॉलोनी अप्रूव होगी जिसके अंदर ये एक छोटी सी लाइब्रेरी, एक छोटा सा 50 या 100 आदमी का ऑडिटोरियम परफॉर्मिंग आर्ट के लिए, तभी हमारे जम्मू कश्मीर के आर्ट, कल्चर और लैंग्वेज को बढ़ावा मिलेगा। अदरवाइज़ आप जितनी मर्ज़ी दीवारें पोतते रहिए, जितनी मर्ज़ी मिनिएचर पेंटिंग बनाते रहिए, ये नहीं एग्जिस्ट करेंगे, ये मेरा है। और आने वाली पीढ़ी को मेरा यही सुझाव है कि अगर आप एक्टिंग का फील्ड चुनना चाहते हैं, तो पहले अपने आप से ये सवाल पूछें कि मैं एक्टर क्यों बनना चाह रहा हूँ, मैंने एक्टर किस लिए बनना है, क्योंकि ये बहुत कठिन अनगटकी है। परफॉर्मिंग आर्ट में यही है कि रोज़ाना कुआँ खोदना है, पानी निकालना है, पानी पीना है। तो इसलिए बात जब ये अपने आप से ये पूछ लेंगे, इनको जवाब मिल जाएगा कि हम क्यों ये काम करना चाहते हैं, तो ये फ्रस्ट्रेशन के शिकार नहीं होंगे और राइट चॉइस रखें। जम्मू में बहुत से लोग हैं जो दावेदार बनते हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन कुछ नहीं है, खाली घड़े हैं। तो ज़रा लोग चूज़ी रहें, बच्चे चूज़ी रहें, थोड़ा काम करें लेकिन अच्छा काम करें और सोच समझ के करें, यही मेरा बच्चों के लिए सुझाव। तो ये थे जाने माने एक्टर डायरेक्टर मुश्ताक काक जी, जिनका ये साफ कहना था कि अगर हमें अपने यहाँ पे आर्ट, कल्चर और लैंग्वेज को बढ़ावा देना है, तो हमारे यहाँ पे एक तो कल्चर पॉलिसी होनी चाहिए और परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट होना चाहिए स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि हमारे बच्चे वहाँ से अच्छी आर्ट्स की, एक्टिंग की नॉलेज ले सकें और अपने जो हुनर है उसको देश और दुनिया में दिखा सकें। देश और दुनिया की खबरों के लिए यूँ ही बने रहें फाइनेंशियल फ्लोरेंट न्यूज़ के साथ। नमस्कार।